मान लो टीएस ऑफ हार्ट, जैसे हार्ट की जो वॉल है ना, यदि हम हार्ट की वॉल को काटते हैं तो तीन लेयर होती है हार्ट में, क्लियर? सॉरी, जैसे मान लो, जैसे ये हार्ट है, क्लियर, ये हार्ट है। यदि आप हार्ट की वॉल को कट करोगे, यदि अपन देखो हार्ट की वॉल को कट करते हैं, इतनी वॉल को यदि हम कट करते हैं तो इसकी तीन लेयर मिलती हैं हार्ट के वॉल की। कितनी लेयर मिलेंगी? तीन लेयर मिलेंगी, जिसको हम बोलेंगे टीएस ऑफ हार्ट। ये भी एग्जाम में आता है। एक अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम बोलेंगे एंडो एंडोकार्डियम। इसके बाहर बतौले नहीं मारो, इसके बाहर एक और लेयर मिलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, मीजो कार्डियम। जो मीजो कार्डियम होता है वही डिपेंड करता है कि हार्ट की वॉल कितनी मोटी और कितनी पतली है। यदि हम हार्ट की बात करें तो चारों चारों रूम में कौन सा वाला रूम ज्यादा मोटा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि वो ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है, तो उसको काम ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है? तो ये करता है मीजोमेटियम डिसाइड द थिकनेस ऑफ हार्ट वॉल। ये हार्ट की वॉल की थिकनेस के लिए डिपेंड करता है मीजो। बाहर कौन सा होता है सबसे लास्ट में? इपिकार्डियम। बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? इपिकार्डियम। क्लियर? तो ये हो गया एंडो, दूसरा मीजो, तीसरा इपिकार्डियम। बना लो फटाफट। मतलब जो हमारा हार्ट होता है ये तीन लेयर से कवर्ड होता है, मतलब ये तीनों लेयर, यदि आप इसको काटोगे ना, तीन लेयर, एक दो तीन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ हार्ट। इसके बाहर दो लेयर चाहो तो और बना दो, हार्ट के बाहर को भी जो कवर करती हैं, एक होती है विसरल पेरिकार्डियम, एक होती है पेराइटल पेरिकार्डियम। बाहर वाली है पेराइटल पेरिकार्डियम, अंदर वाली है विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। यदि अपन बात करें नॉर्मली 320 ग्राम मेल का और 280 ग्राम फीमेल का, मतलब काफी बड़ा है। यदि आप 300 ग्राम का वाट डेली, मतलब एक दिन पूरा ऐसे लेके खड़े रहो ना, एक घंटे भी खड़े रहोगे थक जाओगे एकदम, ऐसे वाट लेके ऐसे खड़े रहो, तो यहाँ पे समझो मेरी बात ध्यान से, ये अपना हार्ट है। मतलब ये पहले तुम लोग लिख क्यों रहे हो, रुक जाओ ना भाई, मैं क्या बोला, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे हार्ट है, 320 ग्राम का हार्ट है, यहाँ पे कंटिन्यू लटका हुआ है। अपन अपने लाइफ में जब अपना अपना काम कर रहे होते, जैसे मान लो कभी जंप किए और ये हार्ट टूट के, ऐसा हुआ क्या कभी? क्यों नहीं होता? क्योंकि इतना भारी है, यदि अपन झटके से करेंगे तो कभी तो पेट में टूट के जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, कौन बताएगा? मसल्स कवर करके रखती है क्या? नीचे तो पेट है, तो पेट में तो जगह होगी ना, जब मान लो खाली खाना, पेट खाली नहीं, वो पेट खाली खाना नहीं खाए। यहाँ पे हार्ट है 320 ग्राम का, अपन बहुत ऊपर से झटके से जंप किए, जंप किए हार्ट पेट में, फिर मुंह में हाथ डाल के पूरा निकाल के फिर गए है? अच्छा एक काम करो,
वो गांव में देखे हो, गांव में जब साइकिल में गेहूं रख के या गेहूं को पिसाने ले जाते हैं, तो साइकिल में वो साइकिल जो ट्यूब का वो टायर का जो ट्यूब होता है उससे बांध देते हैं नॉर्मली ऐसे करके, ऐसे देखे ना बोरी बदी है यहाँ पे, उसमें केरियल में ट्यूब लगा के ऐसे क्रॉस में बांध देते हैं, नीचे से बांध देते हैं। तो सेम ऐसे होता है जैसे ही अपना हार्ट है ना, तो हार्ट के नीचे से, हार्ट के नीचे से मतलब यहां से दो धागे टाइप के रहते हैं, ये दो धागे टाइप के रहते हैं और ये दोनों धागों को नीचे से हार्ट को बांध देते हैं। ये हार्ट यहां रखा है, इसको नीचे से बांध दिए। देखो यदि ऊपर से बांधोगे तो लटका हुआ है नीचे गिर जाएगा, लेकिन तुमने क्या किया नीचे से ही बांध दिया। और नीचे से बांध देते हैं और जिससे बांधते हैं उसका नाम होता है लीगामेंटम आर्टेरियोसस। ये बहुत बार नीट एग्जाम में आता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसस। एक लिगामेंट होता है जिसके हार्ट के एपेक्स वाले पार्ट से, नीचे वाला पार्ट एपेक्स था, एपेक्स वाले पार्ट से उसको हम बांध देते हैं, जिस वजह से हार्ट नीचे नहीं गिरता। क्लियर हुआ? अब कभी कभी क्या होता है बच्चों में, छोटे बच्चों में क्या होता है, चाइल्ड में क्या होता है कि जो हमारा आर्च ऑफ एओर्टा होता है, ये 3D डायग्राम है, आर्च ऑफ एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर, सॉरी, तो ये हमारा पल्मोनरी आर्ट, ये हमारा एओर्टा है और ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। क्लियर? मतलब कि आर्च ऑफ एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं तो हार्ट के ऊपर वाले पार्ट में ऐसे क्रॉस हो जाती हैं। जैसे ये क्रॉस हो जाती है ना, तो एक नई पतली सी पाइप, पतली सी बहुत पतली नैरो ट्यूब लाइक दोनों को जोड़ देती है, जिसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टेरियोसस। देखो ये इधर एओर्टा आया है, इधर पल्मोनरी आर्टरी गई है, तो ये एक ट्यूब दोनों को बांध, दोनों को यहां कनेक्ट करती है। ये बच्चे बच्चों में रहता है, बड़ों में नहीं रहता। क्लियर? तो जिसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर? हार्ट है, हार्ट, हार्ट से क्या निकलता है आर्च ऑफ एओर्टा, हार्ट के यहां से क्या निकलता है आर्च ऑफ एओर्टा, और यहां से पल्मोनरी आर्टरी, और दोनों दोनों बच्चों में एक जगह क्रॉस करती है, जहां क्रॉस करती है ना वहीं पे, जैसे यहां पे क्रॉस कर रही है तो इसके ऊपर एक पतली सी आर्टरी निकलती है जो दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। क्लियर? दोनों नोट कर लो फटाफट।